नवादा जिले के सिरदला थाना क्षेत्र के मंझोली नवाडी गांव में एक विवाहिता का शव मिला है। उनकी पहचान नवाडी निवासी मुसाफिर यादव की विवाहित पुत्री के रूप में की गई है। परिजनों ने आशंका जताई है कि उसकी हत्या कर शव को मंझोली नदी में फेंक दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह जब स्थानीय लोग शौच के लिए नदी किनारे गए तो शव को देखकर चीखने चिल्लाने लगे। स्थानीय लोगों ने महिला की पहचान की तो पता चला कि मृतक महिला मुसाफिर यादव की 28 वर्षीय विवाहित बेटी है। बताया जाता है कि शुक्रवार को मृतक महिला के पति घर पर आया था, जो फतेहपुर में ग्रामीण चिकित्सक है। मृतक महिला 28 वर्षीय निर्मला देवी की निर्मम हत्या कर शव को नदी में के किनारे फेंक दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष के निर्देश पर SI जितेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा भेज दिया गया। हत्या कैसे और कब हुई इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया महिला की गला दबाकर हत्या कर एक गमछा में लपेटकर फेंक दिया गया है। घटना के बाद गांव में मातम छाया हुआ है। मृतक महिला को एक पुत्र व एक पुत्री है। आशंका जताई जा रही है कि मृतक महिला के पति व अन्य लोगों ने मिलकर हत्या की है।